हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप 50 की एज के अंदर 25 साल जैसे एनर्जेटिक रहें? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो तो 50 साल की जाए, लेकिन उस पर जो ग्लो है, जो चमक है, जो कसावट है, वो एकदम 30 या 25 साल के बंदे की तरह होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं और रोज अपने ब्रेकफास्ट के समय पर इसे लेते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो एनर्जी का प्रवाह है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और एज बढ़ने के साथ साथ जो आप शिकायत करने लगते हैं अपने जोड़ों के दर्द की, अपने शरीर में एनर्जी के कम होने की, आपकी सेक्सुअल पावर के कम हो जाने की, या फिर आपके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड या फिर एंजाइटी में रहने की, ये सारी की सारी शिकायतें गायब हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने आप से प्यार करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा उम्र बढ़ने का जो असर है वो अपने आप से दूर रख सकें तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पोस्टनेटल डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पहली जो चीज जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए अगर हम अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं और उम्र का जो असर है वो अपने चेहरे से, अपने शरीर से, अपनी बॉडी से दूर रखना चाहते हैं, तो वो है हलीम सीड्स। जी हाँ दोस्तों, इसे इंग्लिश के अंदर अलिव सीड्स और हिंदी के अंदर इसे हलीम सीड्स कहा जाता है। हलीम सीड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हमारे रोजाना का जो खाना है उससे ये हमें नहीं मिल पाते हैं। सो बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह उठ करके हमें अपने शरीर में हलीम सीड्स का इंटेक जरूर करना चाहिए। हलीम सीड्स की अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, पी और साथ के साथ अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। प्रोटीन भी इसके अंदर काफी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अब इसे लेना कैसे है, तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय एक ग्लास पानी लीजिए। इस एक ग्लास पानी के अंदर एक टेबलस्पून, मतलब कि लगभग 4 ग्राम के आसपास हलीम सीड्स को आप सोक करके रख दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक नींबू निचोड़िए और नींबू निचोड़ करके आप इसको अच्छे से मिलाइए और अपने पी लीजिए। नींबू अगर आपको कमजोरी देता है, अगर आपको लगता है कि नींबू से आपको रेगुलर प्रयोग करने से वीकनेस आती है, तो आपको नींबू यहाँ पर स्किप कर देना है, आपको यहाँ पर नींबू इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज रहती है तो आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, और अगर आपको डायबिटीज नहीं रहती है तो आप यहाँ पर शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दोस्तों, वो ये कि इसे कितने दिनों तक लेना है। तो ये एक आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा कि कब तक खाना खाना है। कपड़े हम रोज पहनते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज अपने बाल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें रोज इसे अपने रूटीन में सुबह सुबह उठते ही अपने शामिल जरूर करना है। अगर ये ऑर्गेनिक मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक मेरा ब्रांड आपको देता है जिसका नाम है लविशा इनऑर्गेनिक्स। मैं आपको इसे परचेस करने का लिंक वहां पर आपको दे दूंगा। नंबर दो जो चीज दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है नारियल पानी। नारियल पानी जो है उसके अंदर पोटेशियम बहुत होता है, और जो हाइड्रोसोल्स जो हमें चाहिए होते हैं, जो हाइड्रेशन की जो कमी हमारे शरीर में हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ, उसको पूरा करने में हमें नारियल पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अगर हम रोजाना अपने नाश्ते से पहले एक नारियल पानी अगर जरूर ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हाइड्रोसोल्स की कमी हो जाती है, हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। पोटेशियम की कमी हो जाती है, सल्फर की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, उन सबको ये पूरा करने में हमारी मदद करता है। नंबर तीन जो चीज दोस्तों हमें अपने रूटीन में सुबह सुबह जो शामिल करना चाहिए वो है स्प्राउट्स। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित खाना। अगर आप रात को सोते समय
में चने को भिगो दीजिए, साबुत जो मूंग आते हैं हरे आप उन्हें भिगो दीजिए, तो ये आप सुबह अंकुरित करके आराम से खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कच्चा रहता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इन्हें स्टीम करके भी खा सकते हैं। स्टीम करने से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनको चबाना, जिनको आराम से डाइजेस्ट करना ईजी होता है। सबसे ज्यादा जो कमी इस समय पर देखी जाती है इंसानों के अंदर, वो है विटामिन B12 की कमी। जब आप स्प्राउट्स अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हो, तो आप देखते हो कि आपके शरीर से विटामिन B12 की जो कमी है वो कई कोसों दूर भाग चुकी है, और आपका शरीर वापस से एनर्जेटिक, स्फूर्तिवान और वापस से चुस्तीवान हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि इसे लेते समय क्या हम इसे एक चाट की तरह बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। स्वाद के साथ आप जरूरी नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज करें हेल्थ को पाने के लिए। आप इसके अंदर टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी सी चटनी अगर आप कोई डालना चाहते हैं बिल्कुल डालिए। नींबू निचोड़ करके इसका रस ऐड कीजिए, एक स्वादिष्ट भेलपुरी जैसा बनाइए। यू विल लव इट, आपको मजा आएगा। सुबह की शुरुआत अगर बेहतरीन टेस्ट के साथ हो जाए और वो पौष्टिक भी हो तो कहने ही क्या। नंबर चार और नंबर लास्ट जो चीज दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है सुबह सुबह, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मदद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से आपके शरीर में होने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जब आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स कंट्रोल हो जाते हैं, तो आपका शरीर जो है वो अपने आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने लगता है। आपके शरीर के अंदर जो एजिंग प्रोसेस बढ़ने की वजह से जो आप बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगे थे, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और आप अपने आप को वापस से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, उत्साह और उमंग से भरपूर पाने लगते हैं। सो एक कप अगर आप ग्रीन टी सुबह लेते हैं और एक कप अगर आप शाम को लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके रूटीन को बेहतर बनाने में और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी डिले करने में। दोस्तों मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप हिंदुस्तान की बेस्ट ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद भी प्रयास में कि हम आपको जल्दी से जल्दी बेहतरीन ग्रीन टी प्रोवाइड कराएं, और मैं शायद उम्मीद करता हूं 2 से 3 दिन में ही मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा और ये चारों चीजें आप अपने रूटीन में जरूर शामिल करेंगे। आपका प्यार हमें जिस तरह से देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहिए, क्योंकि आप ही के इस प्यार और सहयोग की वजह से आज ये चैनल 0 से लेकर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक के फिगर को छूने की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आपके शेयर्स होते रहेंगे, नए नए व्यूअर्स इस चैनल के साथ जुड़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली चैनल बहुत ही कम समय में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स को भी पूरा कर लेगा। दोस्तों जाते जाते एक और जानकारी देना चाहता हूं कि हमने आप सभी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी विद आयुर्वेदा नाम का एक छोटा सा एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, जो कि होने वाला है 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिसे आप जूम एप्लीकेशन के माध्यम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की मदद से ज्वाइन कर पाएंगे। इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आयुर्वेद की मदद से अपने शरीर के अंदर जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करा ले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको इसको रजिस्टर करने का लिंक दे दूंगा। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, जो कि केवल 1500 रुपए। सो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी इसके लिए रजिस्टर कर ले, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। दोस्तों आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।